दोस्तों, हमारे चैनल बिल्ड योर बिल्डिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 20 बाई 60 फिट का बिल्डिंग प्लान। ये 1200 स्क्वायर फिट का बिल्डिंग प्लान है और 132 स्क्वायर गज का है। ये हमारा ईस्ट फेसिंग प्लान है और फुल वास्तु बनाया गया है। ये प्लान हमारा 2 BHK प्लान है। तो हमारा ये प्लान आप गौर से देखिएगा। इसमें आपको मैं दे दूंगा 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, पोर्च। आपका काफ़ी बड़ा मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा अभी आप यहाँ पे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। मेरा वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा प्लान, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ें आई हैं इसमें। देखिए ये, देखिए ये हमारा, देखिए फ्रंट हमारा 20 फिट की चौड़ाई है और गहराई इसकी 60 फिट है। और ये हमारा मेन गेट है, यहाँ पे देखिए ये मेन गेट है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा ईस्ट फेसिंग है, तो ये पहले तो मैंने यहाँ पे देखिए गार्डन निकाला है, काफ़ी बढ़िया गार्डन निकाला है, 8 फिट 11 इंच बाई 8 फिट 2 इंच का। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लॉन मेंटेन कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा पोर्च आया 10 फिट 3 इंच बाई 16 फिट का। कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आप यहाँ पे आराम से खड़ी कर सकते हैं इस जगह पे आप। फिर इसके आगे, क्योंकि अब ये एरिया हमारा साउथ ईस्ट आया, हमारा आग्नेय कोण आया, तो इसलिए मैंने किचन यहाँ निकाला। देखिए अभी आप 8 फिट 2 इंच बाई 9 फिट 5 इंच का मैंने किचन निकाला, इसकी विंडो गार्डन लग जाएगी। तो इस तरह से हो गया। और फिर ये पोर्च से आपका एक रास्ता ये अंदर जाता है, ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया। 13 फिट 11 इंच बाई 14 फिट 3 इंच का हमारा ये ड्राइंग रूम आ गया। ठीक है, ये एरिया जो मैं 13 फिट 11 इंच बोला हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, और यहाँ से हमारा स्टेयर इसी ड्राइंग रूम में अप हो जाएगा, तो देखने में बड़ा लुक बढ़िया आएगा यहाँ पे जब अप करेंगे आप। और इसी ड्राइंग रूम से अटैच हमारा किचन हो गया, क्योंकि ये डाइनिंग हमारा यहीं लगेगा। इस जगह हमारा डाइनिंग टेबल आ जाएगा, तो किचन से ही हमारा पास पड़ेगा इस जगह पर। बाकी सोफ़ा वगैरह हम इस तरह मेंटेन कर लेंगे इस जगह पर, तो ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए, एक टॉयलेट मैंने दे रखा है यहाँ पे, 3 फिट 6 इंच बाई 10 फिट का एक टॉयलेट मैंने दे रखा है। इसके ड्राइंग रूम से भी कर रखा है मैंने अटैच। मान लीजिए ड्राइंग कम गेस्ट भी आप रखते हैं तो ये टॉयलेट यूज कर सकता है वो। फिर यहाँ पे ये आपका कर्टन पड़ जाएगा, यहाँ पे आर्च बन जाएगा। अब ये बड़ा सामने आंगन, इस बार चूंकि मैं सारे प्लान में हमेशा साइड आंगन देता था, इस बार हमने बीच में आंगन देने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैंने ये कोर्टयार्ड दे रखा है 7 फिट बाई 4 फिट का। अब ये चारों तरफ ये बरामदा रहेगा, करीब 3 फिट वाइड बरामदा रहेगा, तो देखने में लुक बहुत बढ़िया आएगा आपको ये। और ये एक WC आ गई 3 फिट 6 इंच बाई 3 फिट 6 इंच का। ये बात आ गया 3 फिट 6 इंच बाई 6 फिट 1 इंच का कामन। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक बेडरूम आपका ये आ गया 9 फिट 5 इंच बाई 15 फिट का, काफ़ी बड़ा है। डोर विंडो यहाँ पे लग जाएगी आप लगभग यहाँ पे, तो आराम से आपका ये रोशनी यहाँ से पूरी मिलती रहेगी, क्योंकि आपका आंगन काफ़ी बड़ा है। सेम साइज आपका ये भी बेडरूम आया 9 फिट 5 इंच बाई 15 फिट, यहाँ पे डोर विंडो लग जाएगा। और मैंने इसको यहाँ से भी अटैच कर रखा है। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ड्राइंग रूम से करना चाहें तो ड्राइंग रूम से कर लें, बेडरूम से भी करना, दोनों करना चाहें या फिर जिससे भी करना चाहें, तो ऑप्शनल है, आपको अपने हिसाब से ये कर सकते हैं मेंटेन। ठीक है, बाहर से भी कर सकते हैं, चूँकि बाहर से यहाँ पे आपका ऑलरेडी है बाहर WC, तो आप बाहर से ना करके कहीं से अटैच कर लीजिए, बेहतर होगा। ड्राइंग रूम से अटैच करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। तो इस तरह हमारा 2 BHK प्लान ये। बाकी डिटेल देखिए आप यहाँ पे, 2 BHK हाउस प्लान विथ पोर्च एंड गार्डन। फ्लैट एरिया हमारा 20 बाई 60 फिट, 1200 स्क्वायर फिट, 132 स्क्वायर गज। कवर्ड एरिया हमारा 1100 स्क्वायर फिट और इसकी कास्ट आएगी लगभग 12 लाख रुपये। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आए, अगर किसी को हम इसका PDF चाहिए तो हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आके कॉन्टेक्ट कर सकता है, हम उसको PDF उपलब्ध करा देंगे। PDF कास्ट हमारा मात्र 300 रुपया मैंने रखा है, हम आपको PDF दे देंगे। हमारा अगर प्लान आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।